आप देख रहे हैं कि संसद में हंगामा चल रहा है और इस हंगामे के बीच मणिपुर की घटना के बाद अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब सहमति इस बात को लेकर के चलिए हो जाएगा। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता इस हंगामे और उसकी रणनीतियों के बीच आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो या फिर तेलंगाना हो। आपने देखा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर, वहां जाकर एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम, किसानों को कई सारी सौगात देने की कोशिश की गई। और उसके ठीक एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। संसद की कार्यवाही को खत्म करने के बाद देर रात वो भोपाल पहुंचे, 7:30 बजे के आसपास। वहां जाकर देर रात तक बैठकें चली। इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, वीरेंद्र खटीक हों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संघ के तमाम बड़े नेता बीएल संतोष, सभी लोग इस बैठक में बैठे। और ये तय हुआ कि हम विकास यात्रा निकालेंगे और उन विकास यात्राओं की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। कुल मिलाकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फेस इस विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी होंगे और सबका सामूहिक फेस होगा। और विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई है, यानी कि सबकी जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश की गई है। कई सारी कमेटीज बनाई गई, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है, जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। और पिछली मीटिंग में अमित शाह थे, इस मीटिंग में उन्होंने हिसाब किताब मांगा है, आपका हिसाब किताब है। कांग्रेस अभी उस तरह की तैयारी नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी जमीन को समझते हुए, माहौल को समझते हुए कि माहौल उसके मुताबिक नहीं है तो क्यों ना फिर रणनीति को अपने मुताबिक बना दिया जाए। यानी कि आने वाला चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, तब जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता छोटी छोटी जगहों पर नीचे उतरकर माहौल को समझने की बारीकी से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।